नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों प्लीज आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को टक से लाइक कर दें, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यह सच है, भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, हर एक प्रार्थना हमारी भगवान तक पहुंचती है, परंतु फिर भी हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता और तब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर हम क्या करें और क्या ना करें। आज इसी प्रश्न का उत्तर जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता से। जो कि हम चाहते हैं वो ना मिले तो क्या करें, इस बात को समझने के लिए मैं आपको बहुत ही मजेदार कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी की जो सीख वो बहुत ही अच्छी है और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिलेगा, जो आपको जिंदगी में निराश नहीं होने देगा, खासकर तब जब आप जीवन में हताश और निराश हो चुके होंगे और आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा होगा। तो सीधा आते हैं कहानी पर। भोला नाम का एक व्यक्ति था, अपनी जिंदगी से पूरी तरह हताश निराश से। जिंदगी से जो भी चाहता था वह पूरा ही नहीं होता था और जिस किसी पर उसकी नजर पड़ती वह चीज उसकी जिंदगी से गायब हो जाती और उसको भगवान से हजारों शिकायतें, हजारों गिलवे शिकवे। ऐसा नहीं था जिंदगी से उसे कुछ मिला नहीं था, पर जो चाहा वो नहीं मिला और जो मिला वो पर्याप्त नहीं मिला। उसका मन हमेशा से उदास रहता। एक दिन ऐसे ही हताश और निराश वो अपने मित्र से मिला। भोला ने अपने मित्र को अपना दुखड़ा रोया। मित्र ने कहा, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था पर सोचता हूँ अब बता ही दूं। भोला ने उत्साहित होकर पूछा, क्या बात है? मित्र ने कहना शुरू किया, मेरे पास एक बहुत ही अनोखी चीज है। मैंने बहुत ही सोचा कि ये तुम्हें दे दूं, परंतु डरता हूँ क्योंकि जब भी मैंने इसके परिणाम देखे वो बेहद ही भयंकर निकले। मेरे पिताजी ने मुझे एक हीरे की अंगूठी दी थी। यह अंगूठी कोई मामूली अंगूठी नहीं थी। तुम इससे कोई भी तीन इच्छा मांग लो तो ये पूरी करती है। मैंने खुद भी मांग कर देखा। इच्छा पूरी होने पर इस अंगूठी का हीरा अचानक चमकता है और हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाती है, परंतु हर बार मुझे इच्छा पूरी होने पर पछतावा ही हुआ। मेरे एक मित्र ने भी कोशिश की, परंतु हर बार इच्छा पूरी होने पर अंत में पछतावा ही हुआ। मैंने कई बार ऐसा सोचा, तुम सदैव परेशान रहते हो, तुम्हें अंगूठी दे दूं, परंतु मैं बहुत डरता हूँ। भोला ने जैसे ही यह जवाब सुनी उसे रत्ती भर भी विश्वास ना हुआ। भला ऐसा कैसे हो सकता है, एक अंगूठी किसी की भी तीन इच्छा कैसे पूरी कर सकती है? भोला ने उत्साह दिखाते हुए पूछा, कहाँ पर है अंगूठी? मैं और नहीं रुक सकता, दिखाओ मुझको। मित्र ने बताया, उसकी पत्नी तो इस अंगूठी को निकाल फेंक देना चाहती थी। मित्र ने कहा, उसे खुद इस समुद्र में फेंकने जाने वाला है, क्योंकि इच्छा तो पूरी हो जाएगी, फिर जो परिणाम होगा वह अत्यंत ही दुखदायी होगा। भोला ने कहा, तुमने तो अंगूठी को फेंकना ही है, मुझे ही दे दो, कुछ गरीब का भला हो जाएगा। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें ठीक से मांगा ही नहीं होगा, तुम्हें खुद ही नहीं पता होगा क्या मांगना है, तुम्हारी मांग ही गलत होगी। असल में हर व्यक्ति यही सोचता है, दूसरा गलत मांग रहा है इसलिए उसे दुष्परिणाम भोगने पड़े। मैं ठीक से मांगूंगा, लेकिन आप खुद सोचिए, जब हम खुद से सही नहीं होंगे तो हमारी मांग कैसे सही हो सकती है, क्योंकि हमारी इच्छा भी तो हमें से ही पैदा होगी। आखिर थोड़ी बहस के बाद और चेतावनी के साथ भोला को उस मित्र ने अंगूठी दे दी और अंगूठी लेकर जैसे ही भोला घर पे पहुंचा तो उसने सारा किस्सा अपने पत्नी को सुना डाला। पत्नी ने कहा, सबसे अहम चीज ऐसा है, पत्नी ने कहा, इस अंगूठी से पहले 100 सोने के सिक्के मांगते हैं। भोला के मन से आवाज उठी, भोला के दोस्त की चेतावनी याद आई। भोला ने पत्नी से कहा, दोस्त ने कहा था इच्छा पूरी होने पर पछतावा होगा। पत्नी ने बोली, एक बार पैसा हाथ आ जाए तो कैसा दुख, और ऐसा कौन सा दुख है जो पैसा दूर नहीं कर सकता, और ऐसे भी कौन सा अंग अभी सुखी है, आखिर है क्या हमारे पास जो हम खो देंगे। असल में हर किसी को ऐसा ही लगता है, अपने को यह मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए, परंतु जो भी हमारे पास होता है हमारी नजर उस पे नहीं पड़ती। चलिए अब कहानी आगे सुनते हैं। पत्नी ने फिर कहा, पहली इच्छा पूरी कर लेते हैं फिर ज्यादा कुछ मांगने को रह नहीं जाएगा। और भोला ने पत्नी से भी सहमत हो गया और दोनों ने हीरे की अंगूठी से अपनी पहली इच्छा मांगी, वो थी 100 सोने के सिक्के उन्हें मिल जाए। जैसे ही इच्छा अंगूठी से कही, अंगूठी का हीरा चमका और इसका मतलब था इच्छा स्वीकार हो गई। हीरे की चमक अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। राज्य की राजा से संदेश आया था, भोला का इकलौता पुत्र जो राजा की सेना में था वह मारा गया है और राजा ने उसकी बहादुरी के लिए उसके परिवार को 100 सोने के सिक्के पुरस्कार में
दिए हैं। भोला और पत्नी का इकलौता पुत्र मारा गया, अब सोने के सिक्कों की चमक फीकी पड़ गई। अब सोने के सिक्कों से मरा पुत्र वापस तो आ नहीं सकता था, पैसे सब कुछ खरीद सकते हैं भोला की पत्नी की सोच थी, परंतु किसी की जिंदगी भला पैसों से कैसे खरीदी जा सकती है। भोला की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। भोला को याद आया अभी तो भोला अंगूठी से दो इच्छा पूरी कर सकता है। भोला ने पत्नी से कहा क्यों ना बेटे को वापस मांग लिया जाए, परंतु फिर भोला को याद आया दोस्त ने कहा था अंत में पछताना ही पड़ता है, और अभी अभी देखा ऐसा हुआ भी। अभी एक इच्छा पूरी हुई और इच्छा पूरी होने पर भी पछतावा ही हुआ। भोला की पत्नी ने कहा इकलौता लड़का मारा गया, अब इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, कुछ मत सोचो, मैं केवल अपना लड़का वापस चाहती हूँ। ये 100 सोने के सिक्कों का कोई मूल नहीं है, मैं अपनी इच्छा पूरी होने से पहले खुश थी, भोला इस वक्त डरा हुआ था। थोड़ा सोचने के बाद भोला इस निष्कर्ष पर पहुंचा बेटे से कीमती क्या होगा, और उसने अंगूठी से फिर अपनी दूसरी इच्छा सामने रखी, भोला के इकलौते पुत्र को उसके पास वापस भेज दिया जाए। हीरा फिर से चमका और फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई, बाहर जोर की आवाज आई पिताजी। भोले ने बेटी की आवाज सुनी तो मानो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। भोला की पत्नी के आंसू भी अब रुक गए और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसका मित्र पुत्र वापस आ जाए। और भोला की पुत्र की शकल देखने के लिए खिड़की से झांका तो बाहर उसका कोई नहीं दिखाया, बाहर कोई था ही नहीं। भोला को कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ है, और भोला की पत्नी सब समझ गई। उसने भोला से कहा हम सब आत्मा है, और शायद हमारी पुत्र का शरीर तो युद्ध में ही चल गया और उसकी केवल आत्मा ही हमारे पास आई है। अब इससे बुरा एक पिता के लिए क्या हो सकता है, इकलौता लड़का आया और केवल आत्मा होकर अब भोला को अपनी दूसरी इच्छा पूरी करने पर और भी अधिक दुख हुआ और वह माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। तभी भोला की पत्नी ने कहा हीरे से आखिरी इच्छा मांग लो, बेटे को वापस उसके लोक भेज दो, कम से कम उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, वह भटकती ना रहे। भोला ने ऐसा ही कहा। भोला ने अंगूठी से कहा बेटा जहाँ से आया है वही चला जाए। अब भोला ने देर नहीं की, अब वह तुरंत आधी रात को अपने मित्र के पास वापस गया और हाथ जोड़कर कहने लगा इस अंगूठी को कई ऐसी जगह फेंक दो किसी के हाथ ना लगे। दोस्तों देखा जाए तो हमारे सभी यही गलती करते हैं, हमें लगता है भगवान से ज्यादा तो हमें समझदार है और हम भगवान को ही सलाह देने लगते हैं, हे भगवान यह लड़की मेरी जिंदगी में आ जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान यह महंगी कार मेरे को दिलवा दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। सच तो यही है जो हम मांगते हैं वो अगर मिल भी जाए तो कोई भी दुखी नहीं है, और ना भी मिले तो भी दुखी है। इसका कारण है हम नहीं चाहते ये क्या सही और क्या गलत। हाँ हम भगवान को सलाह जरूर देते हैं, यूं ही गलती अर्जुन ने भी की थी। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के शीर्ष श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं हम तो ये भी नहीं जानते हमारे लिए क्या उचित होगा और हमारा युद्ध जीतना या हमारा युद्ध हारना। इससे अर्जुन बार बार श्री कृष्ण को सलाह देते थे कि कभी कहते थे संन्यास ले लेता हूँ तो कभी कुछ कहते, यही गलती आज हम सब करते हैं। हम भगवान को सलाह देते हैं हमारे लिए ये कर दो, हमारे भगवान को सुनाना नहीं है बल्कि भगवान की आवाज को सुनना है, हमें अंतरात्मा की आवाज को सुनना है। गीता ज्ञान लेने से पहले अर्जुन स्वयं को नियंत्रण करता समझते थे, परंतु गीता ज्ञान लेने के बाद अर्जुन ने जाना कृष्ण के हाथ में भागदौर है ना कि अर्जुन के हाथ में। समझदार व्यक्ति परमात्मा से यह नहीं कहता कि मेरी इच्छा पूरी कर दो, बल्कि यह समझदार व्यक्ति कहता है हे भगवान तुम्हारी जो इच्छा है उसको पूरी कर दो, क्योंकि हम गलत हो सकते हैं पर वो भगवान गलत नहीं हो सकता। तो इच्छा पूरी ना भी हो तो बिल्कुल भी घबराओ मत, बस ये याद रखो हमारे से ज्यादा समझदार परमात्मा है और हमें अपनी डोर उनके हाथ पर देनी ही है। जैसे गीता ज्ञान लेने के बाद अर्जुन ने जाना वह करता नहीं है, इच्छा पूरी हो तो अच्छा, ना पूरी हो तो भी उसकी वजह से अच्छा ही होगा। हर कृष्णा। दोस्तों यदि आपको वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।